स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दो हैं जो ग्रेगर मेंडल ने जिनकी वजाहत की थी और जिनसे आज हम इस्तफादा हासिल कर रहे हैं। बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर 15 और 22 लेक्चर नंबर है और आइए अब हम इसके बारे में आगाही हासिल करते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो देखिए पहले पॉइंट पर मैंने जो लिखा है ना उसे गौर से पढ़िए। पहले तो इंफॉर्मेशन अपनी कलेक्ट करें ना। ट्रेड अंडर स्टडी कंट्रोल, ये स्टडी जो कंट्रोल स्टडी थी उसकी 14 डिस्क्रीट फैक्टर्स, द 14 जीन। अब देखिए ये आपके सामने है, ये 14 जीन है, जैसे ये राउंड और रिंकल, ये दो जीन है, दो एलेल्स हैं, ये इनके एक ही लोकस पर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पर मौजूद रह सकते हैं। तो दीज स्पेशल फैक्टर्स, ये स्पेशल फैक्टर कहलाते हैं, जो जीन्स हैं उसने स्पेशल फैक्टर कहा था, हमने इनको जीन कह दिया। आर इन पेयर, यानी 7 पेयर ऑफ जीन। अब ये जो यहां से यहां तक ये बात मैं लिखने लगा हूं, बताने लगा हूं, ये लॉ है। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनते हैं, दीज फैक्टर्स यानी जीन पेयर एलेल्स ऑफ ईच पेयर, हर पेयर के वो सेपरेट हो जाते हैं। अब जीन पेयर जो है ये सेपरेट हो जाए, जैसे आप राउंड और रिंकल, ये दोनों एक जीन पेयर है, गैमेट बनते वक्त ये दोनों अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से गैमेट की सूरत में। और फिर ईच गैमेट, हर गैमेट जो है वो रिसीव करेगा, हासिल करेगा वन फैक्टर, एक जीन। यानी एक गैमेट में ये राउंड वाला जीन जाएगा, दूसरे में रिंकल वाला जीन जाएगा। तो ये है असल बात कि यहां सेपरेटेड, अब सेपरेटेड तो हो गए, हो जाएंगे, कब होंगे, जब गैमेट बनेंगे। अब इसका दूसरा हिस्सा, व्हेन गैमेट्स ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट यूनाइट। अब इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की ये दूसरी बात है, जब ये यूनाइट होते हैं, रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग अगेन गेट दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर को हासिल कर देता है इन पेयर, यानी टू एलेल्स जो है, ये दोनों एलेल्स जो है ये हासिल कर लेगा। ये दोनों इसके भी हो सकते हैं और दोनों जो है ये अब इसने यही बात कही है, इन पेयर, ये पेयर में दोबारा आ जाएंगे। तो वेरी राइट, ये दो पॉइंट जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, इन दो पॉइंट ये लॉ है। बाकी बातें तो आपस में यानी कनेक्शन है ना, हमारा स्टडी है। अब जैसे ये है, मेंडल क्रॉस द ट्रू ब्रीड राउंड सीडेड को ब्रीड किया, ट्रू ब्रीड को उसने पहले उसकी ट्रू ब्रीड निकाली है, और ट्रू ब्रीड में क्या था,
कि दोनों एलील जो है एक जीन के, अब ये दोनों आर आर थे विद ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीट, और फिर ये भी बनाया उसने ये स्मॉल आर के साथ, अब ये बना उसने ट्रू ब्रीडिंग की और इसको क्रॉस किया फिर उसने। अब क्रॉस जब करता है तो आइए देखिए कि क्रॉस कैसे हैं। पहली बात तो ये है कि ट्रू ब्रीड क्रॉस पॉलिनेशन, आपको मालूम है कि ये पी प्लांट, इसके जो फ्लावर है वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है, और इसने इन दोनों प्लांट के दरमियान क्रॉस पॉलिनेशन की है। ये जो निशान ये मेल का है और ये फीमेल का निशान होता है ये आप। अब इन दोनों को जब आपस में क्रॉस लिया गया तो हमने ये फर्स्ट फीलियल F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो हासिल की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें ये राउंड और रिंकल दोनों का दोनों मौजूद हैं, ये जीन एलील जो हैं ये मौजूद हैं, दोनों एलील हैं, लेकिन अपियर क्या हुआ, राउंड अपियर हो गया, ऑल राउंड यानी फिनोटाइप क्या बनी, वो तमाम राउंड हो गई। और इसमें जो स्मॉल केस आर था यानी रिंकल वो रिसेसिव है और राउंड एलील जो है वो डोमिनेंट है। तो इस तरह इजहार जो हुआ है वो फिनोटाइप का तमाम राउंड थे। अब उसने नेक्स्ट ये किया कि इस फिलियल वन को पेरेंटल टू इकरार दिया और सेल्फ पॉलिनेशन होने दी, क्योंकि पी प्लांट में तो सेल्फ पॉलिनेशन खुद खुद होती, और इस तरह ये F1 को F1 से क्रॉस किया गया। तो इस तरह आप देखिए ये जब क्रॉस किया गया तो मेल के गैमेट आर और आर, अब ये इस तरीके से इनके भी गैमेट द सेम थे। अब जब गैमेट फॉर्मेशन हुई और फिर पॉसिबिलिटी हमने देखी कि उनके मिलने की, गैमेट जब मिले तो मिलने का, हालांकि ये भी स्केच दिया गया है और ये इतना स्केच जो है ये मैं आपको आगे दिखा देता हूं, ये ऊपर वाला सारा आप स्टडी कर सकते हैं और ये बनाना है आपने और इसे बनाना है आपने, अगर ये बना ले तो वो आपकी मर्जी होगी, लेकिन ये सारा सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखकर और ये आपने बना देना है। नाउ अब हम ये देखिए, हुआ ये कि जब इनको क्रॉस किया गया तो हमारे पास सेल्फ फर्टिलाइजेशन की सूरत में जो जीनोटाइप हासिल होती हैं, ये डबल आर एक है और ये भी राउंड है, फिर आर और स्मॉल केस आर है और ये राउंड है, लेकिन दोनों स्मॉल केस आर रिंकल्ड शो करते हैं और ये बनती है हमारे पास जीनोटाइप। यहां फिनोटाइप ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये टू और वन जो है ये थ्री बन जाते हैं, थ्री राउंड होते हैं फिनोटाइप में और एक रिंकल हो जाता है। अब जरा गौर कीजिएगा, ही कंक्लूडेड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और सेग्रीगेशन के लॉ को उसने अखज किया, इस तरह लॉ को अखज करता है। नाउ अब हम मेंडल्स का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखते हैं। इसमें पहली बात तो यह है कि व्हेन स्टडीड द टू कंट्रास्टिंग पेयर्स, दोनों कंट्रास्टिंग पेयर हैं। अब वो दोनों कंट्रास्टिंग पेयर जो हैं, अब देखिए उसने ये ट्रू ब्रीड है और ये भी ट्रू ब्रीड है, ये राउंड येलो
और रिंकल ग्रीन है। अब ये दोनों जो जीन्स हैं ये अलग अलग डोमिनेंट है और ये दोनों रिसेसिव है। अब ये ट्रू ब्रीड थे, इसको डिफरेंट ट्रेट, अब ये डिफरेंट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, आजादी के साथ एक दूसरे के साथ ये विरासत में गए हैं आजादी के साथ। अब ये आजादी कैसी है, ये जो नुक्ता मैंने लगाया तो ये है लॉ जिसको आपने याद करना है। The alleles of a gene pair, एक जीन पेयर के एलेल जो है गेट सेपरेटेड, वो सेपरेट हो जाते हैं। एंड अब ये सेपरेट हुए जीन के, अब यहां पर ये पहली बात तो ये है कि एलेल्स ऑफ जीन पेयर जो है वो सेपरेट हुए एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर वो क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड टू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एलेल्स ऑफ द अदर जीन पेयर, एलेल्स ऑफ द अदर जीन। अब देखिए पहली बात तो ये है कि ये हुआ फर्स्ट फिलियल क्रॉस कॉम्बिनेशन लिया ये हमने, ये जो सारे इस मेंडल के इंडिपेंडेंट लॉ में बात करता है वो आगे इस फिलियल टू की बात करता है, जो फिलियल टू एफ वन क्रॉस एफ वन है इसके अंदर ये आप देखिए ये वही क्रॉस फिलियल वन और फिलियल टू, फिलियल वन जो है ये दोनों का क्रॉस लिया गया। अब यहां इसके गैमेट क्या बनते हैं ये जरा गैमेट देखिए, और इसने जो आगे ये गैमेट बने हैं ये भी गैमेट देते हैं इसके मेल और फीमेल के गैमेट। तो ये वो बात है जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ये इतने हिस्से को आपने ऐसे जानना है, एलेल्स ऑफ ए जीन पेयर गेट्स सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एलेल्स ऑफ अदर जीन पेयर, एलेल्स ऑफ गैमेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम एलेल्स ऑफ अदर जीन पेयर, इट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ। अब जहां पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहे हैं, देखिए जी जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट ऐसे हो रहे हैं। अब इनका ये अगर मेल है गैमेट और ये फीमेल गैमेट, अब इनके मिलाप इंडिपेंडेंट है यानी यहां पर डिस्ट्रीब्यूट टू गैमेट्स, गैमेट्स टू गैमेट्स इंडिपेंडेंट आजादी के साथ फ्रॉम एलेल्स ऑफ द अदर जीन पेयर दूसरे जीन पेयर से। अब ये उसके साथ यानी आजादी के साथ उनकी असॉर्टमेंट ऑफ एलेल्स बिटवीन द टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन्स और फोर फिनोटाइप्स वर ऑब्जर्व और चार फिनोटाइप जो है ये अब्सॉर्ब होते हैं, उसमें राउंड येलो 315 ये मेंडल की काउंटिंग थी, राउंड ग्रीन 108, रिंकल येलो 101,
और रिंकल ग्रीन 32। लेकिन ये जो 16 पॉइंट स्क्वायर में 16 जो है ये देता है कॉम्बिनेशंस, और इन 16 कॉम्बिनेशन में ये फिनोटाइप है, राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल येलो 3, रिंकल ग्रीन 1, या जीनोटाइप नहीं लिखेंगे, फिनोटाइप है। ये देखिए 4 फिनोटाइप्स वर ऑब्जर्व, ये 4 किस्म की फिनोटाइप जो है ये ऑब्जर्व की गई। फिर याद कर लें एलेल्स ऑफ ए जीन पेयर, एक जीन पेयर के एलेल्स जो है सेपरेट, अब वो सेपरेट होते हैं। अब यहां पे उनके सेपरेट होने का जब वो सेपरेट होते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टू गैमेट्स, अब गैमेट में डिस्ट्रीब्यूट हुए तो किस तरह हुए हैं ये देखिए, इनके डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह देख लें कि जब ये इन दोनों को हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन दी है तो आर वाई, ये आर स्मॉल वाई, ये आर स्मॉल और ये वाई बड़ा है, आर स्मॉल और वाई बड़ा, तो इसी तरह ये गैमेट में अलहदा अलहदा और डिस्ट्रीब्यूट टू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम एलील्स ऑफ द अदर जीन पेयर, और इट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स। एलील्स की ये असॉर्टमेंट है, क्या है कि आजादी के साथ वो अपने साथी को चुन लेते हैं, असॉर्टमेंट होती है बिटवीन द टू कंट्रास्टिंग पेयर, दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन्स। तो ये था, ये आपने लिखना है, ये लॉ मेंडल्स लॉ लिखना है और ये बनाना है, तो ये मुकम्मल। इस तरह ये सवाल अगर आपको आता है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये आप इस तरीके से उनकी वजाहत कीजिएगा। अभी हम देखते हैं दो बातें और जो ग्रेगर मेंडल ने कंक्लूड की है, सीड शेप एंड सीड कलर्स आर नॉट टाइट। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में है आर ब्लेंड, उसने ये कहा है कि सीड शेप और सीड कलर ये आपस में ब्लेंड नहीं हुए, यानी मिलकर कोई नई टाइप नहीं बनाई, टाई नहीं हो गया एक दूसरे ईच अदर। सेग्रीगेशन ऑफ आर एंड स्मॉल आर एलील्स हैपन्स इंडिपेंडेंटली of segregation of capital Y and small Y, ये जो R है round है, round and wrinkle, और ये yellow and green, इनके independently segregation होती है। Segregation of round and wrinkle allele happens independently of segregation of yellow and green। तो ये था आज का लेक्चर, और ये लास्ट पे ये इसकी कंक्लूजन जरूर लिखिएगा, तो फिर ये लाभ मुकम्मल होगा। और जो पिक्चराइज करना मत फिक बनाइएगा और उसको बकायदा लेबल करके लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, सलाम।